शहर के हरपुर नगर भांडे प्लॉट में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी बंटी शेरखा पठान ने बस्ती में रहने वाले हरिदास सावरकर नामक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। सकरदरा पुलिस आगे की जांच कर रही है। शहर में एक और जहां कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन जारी है, वहीं दूसरी ओर शहर के भांडे प्लॉट चौक स्थित हरपुर नगर निवासी बंटी शेरखा पठान नाम के व्यक्ति का पिछले कई दिनों से भांडे प्लॉट चौक पर स्थित वंजारी कॉम्प्लेक्स में मालिकाना हक को लेकर कई बार झगड़े हुए हैं। इसकी शिकायतें शहर के सक्करदरा और नंदनवन थाने में दर्ज भी की गई है। सूत्रों से बताया जा रहा है कि बंटी शेरखा पठान ने पुरानी रंजिश को लेकर हरपुर नगर में रहने वाले हरिदास सावरकर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या होते ही परिसर में खलबली मच गई। लॉकडाउन होते हुए भी सैकड़ों बस्ती के लोग घरों से बाहर निकल आए। सक्करदरा, नंदनवन और क्राइम ब्रांच को पता चलते ही पुलिस मौका वारदात घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी के घरों की तलाशी ली। जिधर भी नजर जा रही थी, पुलिस वाले और मृतक का खून सड़क पर बिखरा हुआ पड़ा था। इस घटना के बारे में सक्करदरा के पुलिस निरीक्षक अजीत सिद्ध इन्होंने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। यहाँ पे अभी भांडे प्लॉट चौक में एक घंटे पहले हरिदास सावरकर, इनके ऊपर किसी धारदार शस्त्र से अटैक किया गया है। इसके पीछे वंजारी हॉस्पिटल में वो बिल्डिंग में जो दुकान के ये कमरे है उसमें वाद विवाद चल रहा था, उसके बीच में ये घटना हुई है। उसके कारण आरबी का पता चल रहा है, अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ही में चल रहा है। अभी तक आरबी का पूरा पता नहीं चला है, ढूंढ रहे आरोपी को। उनको मेडिकल हॉस्पिटल में उनको भेजा गया है, वो सीरियस कंडीशन में है। कोरोना वायरस को लेकर मौतें तो शहरों में हो रही है, तो वहीं धारदार हथियार से हत्या का सिलसिला अब शुरू होते दिखाई दे रहा है। मालिकाना हक और वर्चस्व की लड़ाई में जीत किसकी हो रही है ये बताना मुश्किल है, लेकिन लॉकडाउन में लोग की ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भांडे प्लॉट के हरपुर नगर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।